हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपस वाला, योर वन स्टॉप फॉर ऑल कॉलेज क्वेरीज। दोस्तों, हमारे MBBS प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के कॉलेजेस के बारे में, जहां पर आपको मैनेजमेंट सीट्स मिल जाती है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, चेन्नई, पांडिचेरी जैसे सिटीज के स्टेट्स के कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर स्टूडेंट्स बेसिकली फोकस करते हैं कि हमें यहां पर एडमिशन मिल जाए। आज के वीडियो में महाराष्ट्र के कॉलेजेस के बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर मैनेजमेंट सीट्स आपको मिल जाती है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहां पर 4.5 ईयर्स की ड्यूरेशन का कोर्स है, लेकिन जो DY पाटिल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, DY पाटिल के अंदर यहां पर आपको 5 साल के ड्यूरेशन के लिए कोर्स करना होता है। ये सिर्फ DY पाटिल के अंदर 5 साल का है, बाकी कॉलेजेस में जो है वो 4.5 साल का है। सो शुरू करते हैं दोस्तों, पहले DY पाटिल मुंबई वाले से, जो मुंबई के अंदर लोकेटेड है। सो जो इसकी पर ईयर की जो फीस है वो है 27,27,27,00,000 इसकी पर ईयर फीस है, और टोटल फीस फॉर 5 ईयर्स जो है वो है 1.35 करोड़ 5 साल की टोटल फीस है, और इसके साथ आपको 60 लाख कैपिटेशन फीस पे करनी होती है, जो आपकी मैनेजमेंट सीट के लिए फीस जाती है। जो तो टोटल पैकेज है दोस्तों वो हो जाता है 1.95 CR का, यानी 1 करोड़ 95 लाख का आपका ये टोटल पैकेज हो जाता है फॉर द सीट इन DY पाटिल मुंबई फॉर 5 ईयर्स। 5 साल का ये आपका प्रोग्राम है DY पाटिल के अंदर विद 60 लाख कैपिटेशन अमाउंट। अब बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। दोस्तों, ये जो मैं अभी कॉलेजेस का बात कर रहा हूँ, ये सारे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज कॉलेज है। इसके बाद हम जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस पे आएंगे, अभी फिलहाल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज जो कि मुंबई में लोकेटेड है, उसकी पर ईयर जो फीस है वो है 21 लाख पर ईयर फीस है। टोटल 4.5 ईयर 4.5 साल की जो फीस है वो है 94.5 लाख एंड 40 लाख कैपिटेशन फीस। कैपिटेशन फीस आपकी मैनेजमेंट फीस है, जो आपको मैनेजमेंट सीट के लिए पे करनी है। तो जो आपका टोटल पैकेज हो जाता है दोस्तों वो है 1.35 CR अप्रॉक्स, 1 करोड़ 35 लाख के अप्रॉक्स आपको टोटल अमाउंट पे करना होता है फॉर महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज मुंबई की सीट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज वशी के बारे में, जो कि वशी के अंदर लोकेटेड है। सो यहाँ पर भी 21 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस है दोस्तों। 4.5 साल की जो फीस है वो है 94.5 लाख एंड यहाँ का जो कैपिटेशन अमाउंट है वो है 35 लाख, 35 लाख का यहाँ पे कैपिटेशन अमाउंट है। सो जो टोटल पैकेज आपका हो जाता है वो हो जाता है 1.30 CR का, मतलब 1 करोड़ 30 लाख के अप्रोक्स आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट मिल जाता है, टोटल पैकेज मिल जाता है फॉर महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज वशी के अंदर जो लोकेटेड है। नाउ महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, यहाँ की जो पर ईयर फीस है वो है 20 लाख यहाँ की पर ईयर फीस है। टोटल फीस 4.5 साल की 90 लाख है एंड 35 लाख इस कैपिटेशन फीस, जो आपको मैनेजमेंट सीट के लिए पे करनी होती है। टोटल पैकेज आपको मिल जाता है 1.25 CR में, यानी 1 करोड़ 25 लाख में आपको टोटल पैकेज मिल जाता है। दोस्तों, बात करते हैं भारतीय विद्यापीठ पुणे के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो पर ईयर की फीस है वो है 24.64 लाख, 24,64,000 यहाँ की पर साल की फीस है। तो टोटल फीस आपको 4.5 साल की पे करनी है 1 करोड़ 11 लाख एंड जो कैपिटेशन अमाउंट है मैनेजमेंट सीट का वो है 60 लाख। तो आपका जो टोटल पैकेज बन जाता है दोस्तों वो हो जाता है 1.71 CR का, 1 करोड़ 71 लाख का यहाँ पर आपका टोटल पैकेज हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय विद्यापीठ सांगली वाले लोकेशन के बारे में, सांगली के अंदर जो लोकेटेड है, इसके 25 लाख पर ईयर फीस है दोस्तों, और जो टोटल फीस आपको पे करनी होती है वो है अराउंड 1.12 CR, 1 करोड़ 12 लाख के करीब आपको फीस पे करनी होती है 4.5 साल की, और 40 लाख से आकर कैपिटेशन अमाउंट है दोस्तों। तो जो टोटल पैकेज आपका चला जाता है वो इट इज अराउंड 1.43 CR, 1 करोड़ 43 लाख के अराउंड आपका ये पैकेज चला जाता है। बात करते हैं दोस्तों अब दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज, जो नागपुर में लोकेटेड है। यहाँ पे जो आपको टोटल फीस पे करनी होती है 4.5 साल की, इट इज अराउंड 1 करोड़ 3 लाख के अराउंड आपको पे करनी होती है, एंड फीस पर ईयर जो है वो इट इज अराउंड 23 लाख
और जो कैपिटेशन अमाउंट है दोस्तों वो है 25 लाख के अराउंड। कैपिटेशन अमाउंट इज मैनेजमेंट सीट अमाउंट। तो यहाँ पर जो आपको टोटल पैकेज मिल जाता है दोस्तों वो है 1.28 crore का, 1,28,00,000 के करीब का आपको ये पैकेज मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज वर्धा के बारे में। तो यहाँ पे जो टोटल फीस है वो आपको 1.03 crore 4.5 साल की पे करनी होती है, 23 लाख के हिसाब से पर ईयर फीस है 4.5 साल में, 25 लाख इसका भी कैपिटेशन अमाउंट है दोस्तों, और जो टोटल पैकेज है दोस्तों वो है 1,28,00,000, 1,28,00,000 का आपको यहाँ पे पैकेज मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रागरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लोकेटेड इन लोनी। तो यहाँ पर आपको 18 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस पे करनी होती है दोस्तों, टोटल फीस जो है 4.5 साल की इट इज अराउंड 81 लाख एंड द कैपिटेशन अमाउंट इज 65 लाख, 65 लाख इसका कैपिटेशन अमाउंट है। तो जो टोटल पैकेज चला जाता है दोस्तों इट इज 1.46 crore, लगभग 1.5 करोड़ के हिसाब से आपको यहाँ पे टोटल पैकेज मिल जाता है 1.46 crore का। अब बात करते हैं दोस्तों सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन लोकेटेड इन पुणे। तो यहां पर जो फीस है दोस्तों वो है अराउंड 10 लाख के हिसाब से, 10 लाख के हिसाब से यहाँ पे फीस है, टोटल फीस जो है वो 45 लाख है 4.5 साल के लिए, और यहाँ पे मैनेजमेंट सीट नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैंडिडेट नीड्स टू मीट द कट ऑफ ऑफ 569, आपको 569 का कट ऑफ मीट करना पड़ता है तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा, यहाँ पर आपको मैनेजमेंट सीट नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में जहां पर आपको मैनेजमेंट सीट अवेलेबल है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं केजे सुमाया मेडिकल कॉलेज से जो कि मुंबई के अंदर लोकेटेड है। यहां पर जो टोटल फीस है 4.5 साल की इट इज अराउंड 51 लाख। बात करते हैं पर ईयर के हिसाब से सो आपको 11.5 लाख के करीब टोटल फीस जो है पर ईयर की वो पे करनी होती है, और जिसका कैपिटेशन अमाउंट है दोस्तों इट इज अराउंड 1.29 crore, 1,30,00,000 के करीब यहाँ पे इसका कैपिटेशन अमाउंट है। तो जो आपको टोटल पैकेज मिल जाता है इट इज 1.80 lakhs का आपको यहाँ पे टोटल पैकेज मिल जाता है 1.8 crore के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है यहाँ पे आपको फीस थोड़ी कम है लेकिन जो कैपिटेशन अमाउंट है वो ज्यादा पे करना होता है। डीम टू बी यूनिवर्सिटीज में आपकी फीस ज्यादा थी और कैपिटेशन अमाउंट कम था कंपैरेटिवली, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस है कैपिटेशन अमाउंट ज्यादा है और फीस कम है। अब बात करते हैं दोस्तों टर्ना मेडिकल कॉलेज मुंबई के बारे में। यहां पर ईयर के सबसे 7.27 lakhs यहाँ पे आपको फीस पे करनी होती है, जो टोटल फीस है 4.5 साल की इट इज 33 lakhs, और अगर बात करें कैपिटेशन अमाउंट की तो इट इज अराउंड 1,70,000, 1.07 crore, तो टोटल पैकेज आपको मिल जाता है दोस्तों 1.4 crore का। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज अहमदनगर के बारे में। तो यहाँ की जो टोटल फीस है दोस्तों वो आपको पे करनी होती है 37 lakhs फॉर 4.5 years, और अगर पर ईयर के हिसाब से फीस हम कैलकुलेट करें तो इट इज अराउंड 8,15,000, और कैपिटेशन अमाउंट के बारे में बात करें तो इट इज अराउंड 83 lakhs रुपीज फॉर द कैपिटेशन। तो जो टोटल पैकेज हो जाता है दोस्तों इट इज 1.2 crore, 1,20,00,000 के हिसाब से आपको यहाँ पे पैकेज मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों माइस महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो लातूर के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर जो टोटल फीस है दोस्तों इट इज 45 lakhs फॉर 4.5 years, फीस जो है पर साल के हिसाब से इट इज अराउंड 10 लाख रुपीज, और जो कैपिटेशन अमाउंट है इट इज 85 लाख रुपीज। तो बात करें टोटल पैकेज का तो आपको टोटल पैकेज मिल जाता है 1.3 crore के अंदर। बात करते हैं अब MIT's महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि पुणे के अंदर लोकेटेड है दोस्तों। यहां पर जो टोटल फीस है इट इज अराउंड 42 lakhs फॉर 4.5 years, पर ईयर के हिसाब से फीस कैलकुलेट करें तो इट इज 9,27,000 एंड कैपिटेशन फीस इज अराउंड 98 lakhs। तो जो आपको टोटल पैकेज मिल जाता है दोस्तों तो इट इज अराउंड 1.4 crore, 1,40,00,000 का आपको यहाँ पे टोटल पैकेज मिल जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट श्रीमती काशीबाई नवाले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लोकेटेड इन पुणे। तो यहाँ पर भी जो फीस है दोस्तों इट इज अराउंड 55.7 lakhs, पर ईयर के हिसाब से अगर हम फीस कैलकुलेट करते हैं तो इसे इस अराउंड 12.37 lakhs, 12,37,000। अगर हम कैपिटेशन फीस के बारे में बात करें फॉर द मैनेजमेंट सीट इट इज 64.3 lakhs, और टोटल पैकेज पे अगर हम आ जाते हैं दोस्तों तो इट इज अराउंड 1.2 crore।
अब बात करते हैं दोस्तों SSPM मेडिकल कॉलेज सिंधु दुर्ग के अंदर जो मौजूद है, जो लोकेटेड है, तो यहाँ पे जो टोटल फीस है दोस्तों इट इज अराउंड 33.7 लाख, पर ईयर फीस है 7.49 लाख, 33.7 इज फीस फॉर द 4.5 ईयर्स एंड 76.3 लाख इज द कैपिटेशन अमाउंट। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपीज के अंदर आपको टोटल पैकेज मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों BKL वालावलकर रूरल मेडिकल कॉलेज जो कि चिपलुन में लोकेटेड है। सो दोस्तों यहाँ पे जो फीस है इट इज अराउंड 44 लाख फॉर 4.5 ईयर्स एंड फीस पर ईयर इज 9.58 लाख रुपीज पर ईयर। कैपिटेशन अमाउंट इज 1 करोड़ 60,000 1.06 CR। तो यहाँ पे जो आपको टोटल पैकेज मिल जाता है दोस्तों इट इज अराउंड 1.5 करोड़। अब बात करते हैं दोस्तों अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज विच इज लोकेटेड इन सोलापुर। सो दोस्तों टोटल फीस इज अराउंड 39.6 लाख 4.5 साल के लिए, पर ईयर फीस इज 8.8 लाख रुपीज एंड कैपिटेशन अमाउंट इज 70.4 लाख रुपीज। तो यहां पर आपको टोटल पैकेज मिल जाता है 1 करोड़ 10 लाख रुपीज 1.10 CR के अप्रोक्स। अब बात करते हैं दोस्तों DR उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जलगांव के अंदर जो लोकेटेड है, इसकी फीस है दोस्तों 28.6 लाख फॉर 4.5 ईयर्स, फीस पर ईयर के हिसाब से 6.35 लाख रुपीज, कैपिटेशन अमाउंट इज 91.4 लाख रुपीज। तो आपको दोस्तों टोटल पैकेज पड़ जाता है 1.2 CR का। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर पंजाब राव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अमरावती के अंदर जो लोकेटेड है, इसकी फीस है 9.15 लाख रुपीस पर ईयर, टोटल फीस जो है 4.5 ईयर्स की इट इज 41 लाख 20,000 41.2 लाख रुपीस प्लस 78.8 कैपिटेशन अमाउंट। तो जो आपको टोटल पैकेज पड़ जाता है इट इज 1.2 CR। अगर हम बात करें दोस्तों NKP सालवे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विच इज लोकेटेड इन नागपुर, तो यहां पर फीस है दोस्तों 12.17 लाख रुपीज पर ईयर, टोटल फीस इज 54.8 लाख रुपीज एंड कैपिटेशन इज 55.2 लाख रुपीज। तो आपको टोटल पैकेज पड़ जाता है 1.10 CR का, 1 करोड़ 10 लाख का आपको टोटल पैकेज पड़ जाता है। सो दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर NYP तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विच इज लोकेटेड इन करजट। सो फीस इसकी है दोस्तों लगभग 7.27 लाख रुपीज पर ईयर, टोटल फीस है फॉर 4.5 ईयर्स इट्स 32,72,000, यहां पर आपको टोटल फीस पे करनी होती है, कैपिटेशन है 67,28,000। तो टोटल पैकेज आपको हो जाता है दोस्तों 1 CR का। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बारे में जो कि नासिक के अंदर लोकेटेड है। सो इसकी जो फीस है पर ईयर के हिसाब से इट इज 8.55 लाख रुपीज, 8.5 लाख के करीब इसकी फीस है दोस्तों, टोटल फीस 38.5 लाख रुपीज फॉर 4.5 ईयर्स एंड अगर कैपिटेशन अमाउंट की बात करें सो इट इज अराउंड 71.5 लाख रुपीज। सो टोटल पैकेज दोस्तों आपका हो जाता है 1 करोड़ 10 लाख रुपीज का, 1.10 CR का। अब दोस्तों बात करते हैं SMBT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर विच इज लोकेटेड इन नासिक। सो यहाँ पे दोस्तों फीस पर ईयर इज 11.6 लाख रुपीज पर ईयर, टोटल फीस जो है 4.5 साल की इट इज 52,20,000 प्लस 67.8 लाख रुपीज फॉर कैपिटेशन अमाउंट एंड टोटल पैकेज आपका पड़ जाता है दोस्तों 1.2 CR के लिए। बात करते हैं अब प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन सांगली। तो दोस्तों यहां पर जो आपकी टोटल फीस है वो है 31.8 लाख रुपीज फॉर 4.5 ईयर्स और अगर फीस पर ईयर के हिसाब से बात करें तो इट इज अराउंड 7.05 लाख रुपीज पर ईयर, कैपिटेशन अमाउंट इज 68.2 लाख रुपीज। तो टोटल पैकेज आपका हो जाता है दोस्तों 1 CR का। अब बात करते हैं वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन सांगली। सो दोस्तों यहाँ पे जो पर ईयर के हिसाब से फीस है इट इज 16.6 लाख रुपीज एंड टोटल फीस फॉर 4.5 ईयर्स इज 74.7 लाख रुपीज और अगर कैपिटेशन अमाउंट की बात करें तो इट इज अराउंड 35.3 लाख रुपीज। तो टोटल पैकेज आपका हो जाता है 1.10 CR का, यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपीज का। अब बात करते हैं दोस्तों भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल
मेडिकल कॉलेज एंड कमला नेहरू हॉस्पिटल लोकेटेड पुणे। सो आपको जो फीस है दोस्तों पर ईयर के हिसाब से 6.82 लाख रुपीज पर ईयर। बात करते हैं टोटल फीस फॉर 4.5 इयर्स, 4.5 साल की जो फीस है, सो इट इज अराउंड 31 लाख रुपीज प्लस 79 लाख रुपीज कैपिटेशन अमाउंट। तो जो टोटल आपका पैकेज बन जाता है दोस्तों इट इज अराउंड 1.10 crore, 1 करोड़ 10 लाख के हिसाब से आपको ये पैकेज पड़ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों परभानी मेडिकल कॉलेज आरपी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड परभानी। तो बात करते हैं इसकी टोटल फीस के बारे में, तो इट इज अराउंड 36 लाख फॉर 4.5 इयर्स। पर ईयर के हिसाब से अगर फीस की बात करें तो इट इज अराउंड 8 लाख रुपीज, और अगर कैपिटेशन अमाउंट की बात करें तो इट इज अराउंड 74 लाख रुपीज कैपिटेशन अमाउंट। टोटल पैकेजेस 1.10 crore, 1 करोड़ 10 लाख रुपीज का टोटल पैकेज है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज अमरावती, तो इट इज अराउंड 8 लाख रुपीज पर ईयर फीस। टोटल फीस इज 36 लाख रुपीज, कैपिटेशन अमाउंट इज 74 लाख रुपीज। तो यहाँ पर भी आपका जो टोटल पैकेज है इट इज 1 करोड़ 10 लाख रुपीज। एंड अगर बात करें ACPM मेडिकल कॉलेज जो कि धुले के अंदर लोकेटेड है दोस्तों, सो यहाँ पर आपको पर ईयर के हिसाब से 9.65 लाख रुपीज फीस पे करनी होती है। टोटल फीस इज 43.5 लाख रुपीज एंड कैपिटेशन अमाउंट इज 96.5 लाख रुपीज। तो जो टोटल पैकेज है दोस्तों इट इज अराउंड 1.40 crore, 1 करोड़ 40 लाख के करीब आपको ये टोटल पैकेज मिल जाता है। एंड नाउ IIMSR मेडिकल कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी जलना के अंदर जो लोकेटेड है, सो यहाँ पे फीस पर ईयर के हिसाब से 6.74 लाख रुपीज। टोटल अगर बात करें साढ़े चार साल की फीस के बारे में तो इट इज अराउंड 30.33 लाख रुपीज, कैपिटेशन इज 79.8 लाख रुपीज। तो यहाँ पे टोटल पैकेज आपको पड़ जाता है 1.10 crore का। सो दोस्तों हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस की जो कि प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की थी, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट सीट्स मिल जाती है। सो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, आपको हमें दियो हेल्पलाइन नंबर कॉल करना है, हमसे बात करनी है, हमारे काउंसलर्स आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू गाइड कर देंगे एंड दे विल लेट यू नो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस एंड रिलेटेड टू द कॉलेज। ऑल यू हैव टू डू जस्ट टू गिव अस अ कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर। So thank you so much for watching. See another video.